कर्क के शिवमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता की चाकू मारकर हत्या। फेसबुक पर हिजाब के अगेंस्ट पोस्ट डालने पर हुआ मर्डर। चलिए बताते हैं क्या है पूरा मामला। हिजाब विवाद के चलते कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस इस मामले को हिजाब विवाद से जोड़कर देख रही है। हालांकि पुलिस सीधे तौर पर कुछ भी बताने से खुद को बचा रही है। घटना के बाद से पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया है, जिसके चलते पुलिस और भी ज्यादा अलर्ट हो गई है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ये घटना 20 फरवरी यानी संडे की रात करीब 9 बजे की है। वहीं 26 साल के लड़के का नाम हर्षा बताया जा रहा है। वो काफी समय से बजरंग दल का कार्यकर्ता था। पुलिस ने बताया कि हर्षा ने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर हिजाब के खिलाफ पोस्ट शेयर किया था। उन्होंने भगवा शोल का समर्थन किया था, जिसके कारण ये सब कुछ हुआ। वहीं आपको बता दें, इतने तनाव के बीच कांग्रेस नेता मुकर्रम खान का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि हिजाब का विरोध करने वालों को टुकड़ों में काट दिया जाएगा। इसके बाद पुलिस ने कांग्रेस नेता के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर दिया है। बता दें, बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा की हत्या के बाद शिवमोगा में तनाव बढ़ गया है। कई कार्यकर्ता हत्या के बाद हॉस्पिटल पहुंच गए और घटना का विरोध जताने लगे। तनाव बढ़ता देख पूरे शिवमोगा में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं स्कूल और कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। वहीं इस बीच कर्नाटक के सीएम आरागा ज्ञानेंद्र ने लड़के के परिवार वालों से मुलाकात की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के पीछे 4 से 5 लड़कों की गैंग का हाथ है। सीएम ने ये भी बताया कि ये लोग किसी संगठन से थे या नहीं, इसकी जानकारी अभी तक नहीं है। लेकिन इस कांड के बाद हालात बिगड़ सकते हैं, इसलिए कानून व्यवस्था नियंत्रित करने के लिए शिवमोगा में स्कूल और कॉलेजेस को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, कर्नाटक में हिजाब विवाद के बीच सबसे ज्यादा एक्टिव बजरंग दल ही है। इसके अलावा कई हिंदू संगठन कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने का विरोध कर रहे हैं। ये कार्यकर्ता हिजाब के विरोध में भगवा शॉल पहनकर अपना विरोध जता रहे हैं। यही कारण है जो अब दंगे फसाद बढ़ गए हैं। बता दें, हिजाब मामले में आज फिर से हाईकोर्ट में फैसला आना बाकी है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है, जब फैसला आ जाएगा तब क्या हालात होंगे। आज की वीडियो में महज इतना ही। आगे की जानकारी के लिए देखते रहें ग्लोबल नॉर्थ 24/7। जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।